नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि गुजरात में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए प्रचंड जीत हासिल की। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक गुजरात में भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। सबसे खास बात यह है कि इसकी कल्पना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने भाजपा नेताओं की बैठक में इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाने की इच्छा जताई थी। अपने संबोधन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, शुक्रिया गुजरात, अभूतपूर्व चुनाव परिणामों को देखकर मैं बहुत अधिक भावनाओं से अभिभूत हूँ। लोगों ने विकास की राजनीति का आशीर्वाद दिया और साथ ही इच्छा व्यक्त की कि वे चाहते हैं कि ये गति और तेज गति से चलती रहे। मैं गुजरात की जनशक्ति को नमन करता हूं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उनसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री मुख्यालय पहुंचे थे। मंच पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना भी शुरू किया था और इस दौरान उन्होंने गुजरात के प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बहुत ऐतिहासिक दिन रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें गुजरात में रिकॉर्ड जीत हासिल हुई है। गुजरात की जनता, गुजरात के कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में कार्यरत रहे, उन्हें मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहाँ खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। राजनीति में सेवा भाव से एक मुख सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। ऐसे नए मापदंड लगाए गए हैं। अब देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, असेंबली में करीब करीब 2 लाख वोट से जीतना। लेकिन ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली। कांग्रेस ने यहां पर 40 सीटें जीतकर भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। हिमाचल में भाजपा को महज 25 सीटें मिली हैं। गुरुवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही राज्य में 1985 से चली आ रही परंपरा कायम रही है। यहां हर 5 साल में राज्य की सत्ता बदल जाती है। चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औरंगकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायकों की बैठक शिमला में बुलाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के फैसले के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। पार्टी ने पहले कहा था कि विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक
68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 40 सीटों पर दर्ज की है और वहीं भाजपा को 25 सीटें मिली हैं। 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के हिस्से में कोई सीट नहीं आई है। उसने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हिमाचल प्रदेश का 1985 से यह राजनीतिक इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता ने किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार सत्ता की चाबी नहीं सौंपी। सिराज विधानसभा सीट पर निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार चेतराम को 38,000 मतों के अंतर से पराजित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे और भाजपा उम्मीदवार अनिल शर्मा ने मंडी सदर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार चंबा ठाकुर को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। जोधपुर के माता का धान धाना में हुए गैस सिलेंडर के घाव अभी भरी नहीं थे कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट का एक और हादसे से जिला सहम गया है। दरअसल जोधपुर जिले के तो श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रावस्ती में श्रम विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से संचालित नया सवेरा योजना के द्वारा बाल श्रम, बाल विवाह, बाल हिंसा और बाल तस्करी पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम अभियान में मुख्य अतिथि विकासखंड अधिकारी कौना जितेंद्र नाथ होंगे और विशिष्ट अतिथि नवीन मंडल पुलिस थाना श्रावस्ती के थाना प्रभारी रामपाल यादव भी मौजूद रहे। मुरादाबाद नो एंट्री में शहर में दाखिल ट्रक ने स्कूटी सवार मां बेटी को रौंद दिया। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर जाम लग गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना सिविल लाइंस के कांट रोड पर अकबर के किले के पास की बताई जा रही है। तो मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ट्रक ने स्कूटी सवार मां बेटी को रौंद दिया। दरअसल नो एंट्री जोन में ये ट्रक आ रहा था और तभी अचानक स्कूटी से इसकी टक्कर हो गई जिसपे सवार मां और बेटी हादसे का शिकार हो गई। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। पूरा मामला जो है वो थाना सिविल लाइंस के कांट रोड पर अकबर के किले के पास का बताया जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल करीब 2,88,461 वोटों से जीत गई हैं। डिंपल को 6,18,120 वोट मिले हैं जबकि भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्या को 3,00,000 से ज्यादा वोट मिले। जसवंतनगर सीट पर डिंपल को सबसे बड़ी बढ़त मिली है। यहां नेताजी को 2019 में 94,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्या को हरा दिया। इस जीत के साथ मैनपुरी में 1946 से चली आ रही सपा का दबदबा बरकरार है। डिंपल यादव की तीसरी लोकसभा जीत है। इस जीत ने परिवार को भी एकजुट कर दिया। चाचा शिवपाल जो पार्टी और अखिलेश से दूरियां बनाकर चल रहे थे वो इस चुनाव में डिंपल के लिए जोरदार प्रचार करते नजर आए। वहीं जीत के बाद प्रमाण पत्र लेकर डिंपल यादव मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर मीडिया से बात करती हुई नजर आई और कहा कि मैं अपने मैनपुरी की जनता और सभी पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्षों को धन्यवाद देती हूँ। ये जीत जहाँ मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है।
मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी इंसान के अंदर अगर हौसला हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस काम करने का जज्बा होना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें इन दिनों सिद्धार्थनगर के जिला मुख्यालय पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट युवती जो है ठेले पर चाय बेच रही है, न्यायालय के गेट के बाहर ठेले पर चाय की दुकान लगा रही है। सृष्टि पांडे गणित विषय से MSc की हुई है और चाय बेच रही सृष्टि पांडे ने अपने इस दुकान का नाम मिस इंडिया STR चाय वाली रखी है। इस चाय की दुकान पर काफी भीड़ भी देखने को मिलती है, दूर दूर से लोग आकर चाय पी रहे हैं और चाय की तारीफ भी कर रहे हैं। सृष्टि पांडे इससे लगभग 1000 रुपए से ज्यादा की कमाई हर रोज कर रही है। सृष्टि का कहना है कि उसे समाज में कुछ अलग करना है और इसके माध्यम से समाज की नई दिशा मिल सकती है। उसका कहना है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है और भी काम कर सकती है, लेकिन उसे आत्मनिर्भर होकर समाज में अलग करके इसका मुकाम हासिल करना है। माता पिता का सहयोग मिल रहा है लेकिन रिश्तेदार उसका विरोध कर रहे हैं। वो बड़ी फैमिली से है लेकिन उसने ये काम किया जिससे समाज में संदेश मिले। वो इसके ठेले पर चाय पीने आए लोगों में इस चाय वाली की काफी प्रशंसा भी हो रही है। हाँ, आप जो है स्टॉल लगा रही हैं और आपने बोर्ड भी लगाया MSc और सारी डिग्रियों का, किस लिए आप लगा रहे हो ये? सर, पहली बात कि मुझे अपना समय जो है, अपना ऊर्जा ऐसी जगह खर्च करना है कि जो मतलब मुझसे कोई छीन ना सके, मेरी पहचान हो और उसका एक टैलेंट ही हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जॉब करे तो भी मुझे जॉब मिल सकता है, लेकिन आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जॉब से काम चलने वाला है नहीं, जॉब करने वाले हजारों लोग हैं। और सर ऐसा मतलब ये लोग ही पूछते हैं कि आप चाहती तो बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं, लेकिन घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा मेरे सपोर्ट कर सकते हैं, एक रेस्टोरेंट भी डलवा सकते हैं, लेकिन हम जो जैसे मेरा ये खुद का फैसला है तो ये हम खुद पे डिपेंड होकर करना चाहते हैं। कितना पढ़ाई की है आप? सर MSc प्रीवियस था मेरा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जॉब से आगे काम चलने वाला है नहीं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाश के पास से पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर और एक तमंचा भी बरामद कर लिया है।
और अब खबर उन्नाव से, जहां अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता लखनऊ जोन के तहत आज दूसरा सेमीफाइनल मैच लखीमपुर खीरी और लखनऊ के मध्य खेला गया, जिसमें लखीमपुर खीरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 5 विकेट खोकर 81 रन बनाए, जिसमें सिकंदर ने सर्वाधिक 21 रनों का योगदान दिया। वहीं लखनऊ की तरफ से आशीष ने 3 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 12 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 69 रन ही बना सकी है। शांत सिंह मलिक ने सर्वाधिक 29 रन बनाए और लखीमपुर खीरी की तरफ से रुपेश ने 3 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। लखीमपुर खीरी ने 12 रन से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लखीमपुर खीरी के रुपेश मैन ऑफ द मैच रहे। बता दें कि प्रतियोगिता के फाइनल मैच में उन्नाव और लखीमपुर खीरी का आमना सामना हुआ। उन्नाव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फाइनल मैच 20-20 ओवर का खेला गया, जिसमें लखीमपुर खीरी 15.3 ओवर में 75 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लखीमपुर की तरफ से रुपेश ने सर्वाधिक 16 रन बनाए और उन्नाव की तरफ से टीम के कप्तान अर्जुन सिंह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्नाव ने 8.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बिजनौर के गांव लदुपुरा में चल रहे आदर्श पब्लिक स्कूल पर गंभीर आरोप लगाते हुए गांव निवासी ओम प्रकाश ने बिजनौर डीएम से शिकायत की है। ओम प्रकाश ने शिकायत करते हुए बताया कि आदर्श पब्लिक स्कूल के पास कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की मान्यता है, जबकि स्कूल के संचालक कश्मीरी सिंह उनमें इंटरमीडिएट तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जिला प्रशासन काम कर रहा है। वहीं चांदपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक जलीलपुर के गाँव लदुपुरा में चल रहे आदर्श पब्लिक स्कूल पर गाँव निवासी ओम प्रकाश ने जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए गंभीर आरोप लगाए। ओम प्रकाश ने कहा कि आदर्श पब्लिक स्कूल मानक के अनुरूप नहीं है। ओम प्रकाश का आरोप है कि आदर्श पब्लिक स्कूल में शौचालय और कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है और बच्चों से ज्यादा फीस वसूली जा रही है। वहीं ये स्कूल जो है वो राम भरोसे चल रहा है। फिलहाल इस मामले में विद्यालय के संचालक कश्मीर सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि सभी आरोप निराधार है। हालांकि मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो विद्यालय की हालत काफी जर्जर थी। फिलहाल इस मामले में ओम प्रकाश ने बिजनौर जिला अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। हमारे ग्राम लदुपुरा में आदर्श पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चल रहा है, उसमें 1 से 5 तक मान्यता प्राप्त है, ये भी नहीं जानकारी है कि नहीं है, और उसमें इंटर तक क्लास ली जा रही है। अच्छा। हमने डीएम साहब से भी पत्र भिजवाया है, उसमें डीएम साहब ने कुछ संज्ञान नहीं लिया, और इसमें ना ही तो कमरे हैं, 3-4 कमरे हैं उसमें, जबकि 2-2, 3-3 क्लासें ली जा रही हैं। उसमें ना ही तो कोई शौचालय है ढंग का, शौचालय भी नहीं है, और उसमें पानी टंकी भी नहीं है, और उसमें बच्चों को जो मनमानी फीस ली जा रही है। आपका मानना है कि मूलभूत सेवाओं का भी बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, लाभ नहीं मिल पा रहा, योगी जी का कहना है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अकील अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं। शकील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, क्या सच्चाई है, क्योंकि तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अशोक कुमार ने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई है कि स्कूल मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा है और बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है। इस सब मामले को लेकर के जिलाधिकारी एक्शन के मूड में है और कभी भी इस स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन। जो आरोप लगाए गए हैं कि व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, ना ही शौचालय है, इसके अलावा मानक के अनुरूप ये स्कूल नहीं चल रहा है, क्योंकि 5वीं तक की ही व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई है वो 10वीं तक भी कराई जा रही है। देखिए, मानकों को ताक पे रखकर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। 1 से 5 तक की भी मान्यता पता नहीं है या नहीं है, और 10वीं तक की क्लास के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है और अवैध रूप से स्कूल जो है संचालित हो रहा है। तो इसको लेकर के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र अशोक जी ने दिया है और उस पर बहुत जल्दी संभावना यह है कि बड़ा एक्शन होगा और स्कूल को बंद किया जाएगा। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जो कश्मीरी सिंह है, जो संचालक है, वो उनका कहना है कि स्कूल ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक कहाँ से चल रहा है जब लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, टॉयलेट नहीं है स्कूल में, जर्जर अवस्था में पूरा स्कूल है। तो इस सब को लेकर के बड़ी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें बच्चे भी बाहर बैठ कर पढ़ रहे हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भवन नहीं है इस स्कूल में, ना तो कोई बच्चों के लिए बैठने के लिए अच्छा भवन है, ना कोई फर्नीचर की व्यवस्था है, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी सब परेशान हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो भी सब चीज को लेकर चिंता बनी हुई है। और ये कभी भी इस स्कूल के खिलाफ जो है DIS या जो भी संबंधित अधिकारी हैं बड़ा कदम उठाएंगे। शकिलिया, बच्चों से कितनी फीस ली जाती है?
देखिए बच्चों को जैसे जैसे क्लास है उसके क्लास के हिसाब से ही फीस ली जाती है, लेकिन आज तो सरकार का यह है कि बच्चों को निःशुल्क बस्ता और सारी चीजें मिलती हैं, उसके बावजूद भी इन बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है फीस के नाम पर। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उन्नाव में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही वैन खड़े ट्रक में जा घुसी। लखनऊ कानपुर हाईवे पर खड़े ट्रक में सवारियां लेकर जा रही तेज रफ्तार वैन पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे में यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से तीन घायलों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल से कानपुर हेल्थ के लिए रेफर किया गया। संभल में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मौतें हो रही हैं। आज फिर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीज भुगत रहे हैं। डॉक्टर की लापरवाही से निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई है। आरोप है कि बिना किसी व्यवस्था के और बिना डिग्री के जो महिला डॉक्टर है वो अस्पताल चला रही है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा है। हंगामे की सूचना पर SDM और CO मौके पर पहुंच गए। परिजनों की तहरीर पर SDM ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ये नीलम नर्सिंग होम है, इसमें एक 22 साल की सोनी नाम की महिला है। इसका डिलीवरी का केस था तो यहाँ पर इलाज के समय इसकी डेथ हो गई है। इसमें CO साहब और पुलिस वगैरह आ गई है। इस शिकायत पर इनकी तहरीर ली जा रही है और तहरीर के बाद इसमें FIR वगैरह करा के जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेडिकल की भी टीम हमारे डॉक्टर्स आ गए हैं, हर पहलू पे जांच होगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार एक के बाद एक अस्पतालों की लापरवाही सामने आ रही है, विभाग क्या कुछ कर रहा है इस पूरे मामले पर? जी मैं आपको बता दूं, अब के मामले सीता उल्टा है दोस्ती के, जहाँ नर्सिंग होम में एक महिला प्रसव पीड़ा जब होती है उसको लेके जाती हैं, उसकी मौत हो जाती है वहाँ पर। तो ये लगातार भोला साहब डॉक्टर जो है लगातार जिले में इतने पनप रहे हैं कि लगातार हॉस्पिटलों में मौत आज की खबरें आती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर कोई शिकायत भी करता है तो खाना पूर्ति की जाती है, सील कर दिया जाता है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से 2-4 दिन बाद उसको सील को तोड़ भी दिया जाता है, खोल दिया जाता है। तो ऐसे लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सोया हुआ, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। नोडल अधिकारी का अगर सूत्रों की माने तो नोडल अधिकारी लगातार केवल झोला साहब डॉक्टर भी जाते तो हैं और कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन उसके बाद महीना बांध देती है अपना। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो महिला डॉक्टर है उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी वो नर्सिंग होम चला रही है। जी वही तो बता रहा हूँ मैं कि लगातार जो झोला साहब डॉक्टर हैं ये इनका डिग्रियां नहीं है, लेकिन औरों की डिग्रियों से काम कर रहे हैं, अपने पूरे पूरे हॉस्पिटल बना रखे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा। अगर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, इस पर लगातार कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि झोला साहब डॉक्टरों के खिलाफ एक अभियान चला जाए तो हो सकता है कमी आए, लेकिन डॉक्टर जो है सरकारी विभाग के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। अब जैसे घटना घटी सीता रोड की घटना और नर्सिंग होम की घटना है, ये जब हंगामा करता है हंगामा भाजपा नेता ही पहुंच जाती है, उसके बाद में जो CO मौके पर पहुंचते हैं, कार्रवाई का आश्वासन देती है, उसके बाद जाके इस पर कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, कार्रवाई नहीं होती। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो संभल का एक पूरा मामला है जहां नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत होने के बाद हंगामा हो गया, परिजन आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि अवैध रूप से इस नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, साथ ही साथ जो महिला डॉक्टर है उसके पास कोई डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के ही वो अस्पताल चला रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।